पसमानदा व मजलूम खवातीन के हुकूक और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही शहर की मारूफ तंजीम आसरा फाउंडेशन की टीम ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर शहर के गोशा सरकारी हस्पताल पहुंची और मरीजों को फल और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर आसरा फाउंडेशन की सदर और माहिर काउंसलर साजिदा बेगम ने बताया कि इन दिनों खवातीन पर आए दिन बढ़ रहे घरेलू मजालिम का सद्दबाब करना उलमाए इकराम ही की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। एवरी ईयर हम लोग कैसा भी वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना आज हॉस्पिटल में हम लोग सेलिब्रेट करें। औरत जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस है यहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हालिया वाक़या हम लोगों ने देखा आयशा का, तो डाउरी हरासमेंट को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बातों से ये काम नहीं चलेगा, ये मेंबर और मेहराब को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा, और वहाँ से अगर आवाज़ जाती है तो इंशाल्लाह मैं कहूँगी कि कौम में एक अवेयरनेस आएगा। और मर्दों की तरफ से काहली और बेकारी ये है, सो औरतों के वास्ते बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है जो मैं दिन रात फेस कर रही हूँ। और कई आज जिस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, औरतों के ऊपर मजालिम भी उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। कभी इंटरनेट से तलाक हो रही है, कभी फ़ोन से तलाक हो रही है, कभी लोगों को हरासा किया जा रहा है, मैसेजेस के ज़रिए डाउरी डिमांड्स हो रहे हैं, तो इस तरह के ये तमाम जो काम हो रहे हैं इससे इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मौके पर गोशा हस्पताल की मुहतमम डॉक्टर तुलसी ने कहा कि खवातीन की मुकम्मल तौर पर तकवियत तभी मुमकिन है कि जब वो बुनियादी तालीम से आरास्ता हों। टुडे वी वर वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे अलोंग विद आसरा हेल्पलाइन। वी वर वेरी हैप्पी टू रिसीव देम। दे हैव गिवन गिफ्ट हैम्पर्स टू पेशेंट्स, पेशेंट अटेंडेंट्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज एंड टू द होल स्टाफ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। I want all women to be empowered. They should need basic education in each family. When one mother or one lady gets full education, she can give education to her whole family. When one family gets educated, the whole society will get transmitted. Awareness in the field of education and in the field of family life. Now with this organization, we hope to reach out other dimensions where we can be of help to the underprivileged and the women harassed at home. So this is the reason why this hospital has invited us to be with them on the panel. आलमी यौम खवातीन के मौके पर साजिदा बेगम ने खवातीन को ये पैगाम दिया कि वो अपने आप को कमजोर न समझें और हरगिज अपनी जानों से न खेलें, कि एक नाकामी इंतहा हरगिज नहीं होती बल्कि जिंदगी को और मौके दिए जाने चाहिए कि कामयाबी मुकद्दर हो सके। और ये मेरा मैसेज है कि औरतें खवातीन अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने आप को लाचार वो मजबूर ना समझें और ना अपनी जानों से खेलें। वो आगे बढ़ के आएँ, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। एक गया तो मतलब क्या है, एक तरफ से परेशानी हो रही है तो दूसरे कई ऑप्शन से वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती है और अपने आप को सर्व कर सकती है खातून। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।